संगीतकार, डिस्को संगीत को फिल्मी जगत में लोकप्रिय बनाने वाले अलोकेश अपरेश लहरी यानी हम सब के प्यारे बप्पी लहरी आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये। तो चलिए याद करते हैं आज बप्पी दा को। याद आ रहा है तेरा
छोड़ा चला जाऊं, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ बप्पी दा की पहचान थी उनके सोने के गहनों के प्रति उनका प्रेम। गोल्डन मैन बप्पी लहरी के संगीत में अगर डिस्को की चमक दमक नजर आती है तो उनके कुछ गानों में सादगी और गंभीरता भी थी। उनका असली नाम अलोकेश है और जन्म हुआ 27 नवंबर 1952 जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया और जब वो 14 साल के हुए ना तो उन्होंने पहला संगीत दिया। माता पिता अपरेश लहरी और बांसुरी लहरी शास्त्रीय और श्यामा संगीत में बंगाली गायिका और संगीतकार रहे। चैन कहाँ रे प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले।
चाहिए कोई मन चाह दिलदार चाहिए। ये भी होगा थोड़ा इंतजार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। बप्पी दा 19 साल के थे तो मुंबई आ गए। उन्हें पहला मौका 1974 में आई बंगाली फिल्म दादू में मिला, जहां लता मंगेशकर ने उनका गाना गाया। उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया 1973 में आई फिल्म का नाम था नन्हा शिकारी, और उनकी पहली हिंदी रचना मुकेश द्वारा गाई गई। लेकिन करियर में मोड़ आया ताहिर हुसैन की फिल्म जख्मी से, जो 1975 में रिलीज हुई, जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया और पार्श्व गायक के रूप में अपना नाम कमाया। दिल में हो तुम, आँख में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में हो तुम, आँख में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। जानू मेरी जानू, जाने तेरे दिल ने पुकारा।
दुनिया के गम सहता हूँ मैं, बिरहा के गम सह ना पाऊँ। जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू, चाहे जलूं चाहे मरूं फिर भी तेरे गुण में गाऊं। दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। पूजा करूं सजदा करूं जैसे कहूं वैसे चाहूं। जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ये देखिए हॉल। अरे वाह। अरे ये देखिए बेडरूम। भैया नया घर बढ़िया है, पर जाएंगे कहाँ है? है? हाँ भैया, घर तो खूबसूरत बनवाया है पर जाएंगे कहाँ? अरे तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अरे भैया घर का सबसे जरूरी हिस्सा है कहाँ? अरे शौचालय है कहाँ? प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं, नए घर में शौचालय बनवाकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें और अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। थिंक आईआईटी थिंक विद्या मंदिर। थिंक आईआईटी थिंक विद्या मंदिर। थिंक आईआईटी थिंक विद्या मंदिर। फॉर एडमिशन टेस्ट विजिट www.vidyamandir.com। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन
बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र से परीक्षा की चिंता को दूर भगा। उनके इन्हीं संदेशों से प्रेरित होकर NCPCR मना रहा है परीक्षा पर्व, जिसमें बच्चे विशेषज्ञों से बातचीत कर परीक्षा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 8 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.ncpcr.gov.in पर प्राप्त करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कलाकार बेमिसाल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी गोल्ड ट्यून इन किया है आपने अर्पना के साथ बातें गायक संगीतकार बप्पी लहरी की। 1980 और 90 के दशक में फिल्मी साउंडट्रैक को अलग पहचान दी बप्पी दा ने। उन्होंने बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलताएं प्राप्त की। कुछ गजलों के लिए भी संगीत तैयार किया। फिल्म एतबार से याद है वो गजल, आशा और भूपेंद्र की आवाज में, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, उसका संगीत बप्पी दा ने तैयार किया था। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिस वो प्यार जिसके लिए हम
यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बाहर आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार, हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 14 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुँच रही है। आइए हम सब इसका हिस्सा बने। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। '1986 में उन्होंने एक साल में 33 फिल्मों में लगभग 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए और इसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाना पड़ा। उनके पूरे करियर में लगभग 5,000 से ज्यादा गाने उन्होंने कंपोज किए और 15 फरवरी 2022 बप्पीदा संगीत की दुनिया को अलविदा कह गए और छोड़ गए कभी ना भूलने वाले गीत संगीत को। एक मधुर गीत आप सभी के लिए। इस गीत के बाद गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अलविदा तो अन...